हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि आज की डेट में सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, और हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा COVID-19 आने के बाद सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस हरियाणा के आदमियों ने लिया है। अगर सारे देश से कंपेयर करें तो हमारी स्टेट वालों ने, हरियाणा वालों ने सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। और अब बात यह आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन ले सकता है, क्यों लेना चाहिए और कब ले सकता है। कोई भी आदमी, जैसे हमारे देश में 135 करोड़ के करीब जनसंख्या है, और उनमें मैंने एक वीडियो और बनाया था इसी टॉपिक पे, लग मिलते जुलते के लगभग 100 करोड़ के करीब जनसंख्या जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार में है, वो लोअर मध्यम वर्गीय, मिड मध्यम वर्गीय या अप मध्यम वर्गीय। उन सब 100 करोड़ आदमियों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। कुछ आदमियों ने तो उनमें से ले भी रखा है, पर अभी इतनी अवेयरनेस, जागरूकता इतनी हमारे देश में नहीं आई है। हर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना, उसको थोड़ा या ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ संबंधी कोई समस्या आएगी, कोई बीमारी आएगी, हमें या हमारी फैमिली को, वो सबसे पहले हमारी सेविंग पे अटैक करेगी। और मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है, ज़्यादातर वो पहले ही पूरे पूरे होते हैं, उनकी सेविंग होती है तो बहुत कम होती है, वो भी किसी टारगेट के लिए होती है कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूंगा, या मैंने ये मकान लेना है, ये फ्लैट लेना है, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो बीमारी आती है, या फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा दिन आ गया, तो वो क्या होता है, वो जैसे ही बीमारी आती है सबसे पहले वो उस आदमी की सेविंग पे अटैक करती है, उसको सेविंग को खा जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूं, मैं किसी का यहां प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही किसी कंपनी का मैं नाम लूंगा। वैसे वो हमारे देश में बहुत सी कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस कर रही हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूं कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए और क्यों लेना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो ले कौन सकता है, जिसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति आज की डेट में जब वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है वो ठीक ठाक हो। जैसे कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं, अगर कोई आदमी स्मोक करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, या ड्रिंक करता है, शराब पीता है, कम या ज़्यादा पीता है, और या उसको कोई पहले से बीमारी है, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों को शुगर, हाई बीपी, ये आजकल नॉर्मल बीमारी हो गई है, और इससे भी अगर कोई किसी को कोई बड़ी बीमारी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, हेल्थ इंश्योरेंस में उसको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। वो ये सोचे कि मैं इसको हाइड कर दूं, बाद में इसकी वजह से कोई दिक्कत होगी, मुझे मेरा क्लेम मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप पैसा दोगे, आपकी जो कंपनी है जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे, वो उसको डेक्लाइन कर देगी, आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर देगी, आपके पैसे ख़त्म कर देगी। उससे अच्छा तो अगर आप ये सोचो कि मैं झूठ बोल के करवाऊँ, 2-4-5 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, 2-3 साल के बाद वो कंपनी पैसा नहीं देगी, उससे अच्छा तो फिर आप ना ही करवाओ, अगर आप झूठ बोल के करवाने की सोच रहे हैं। क्योंकि जिस काम की बुनियाद ही झूठ पे रखी जाएगी, वो क्या उसकी बिल्डिंग बनेगी, उससे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक केस लगभग 1-1.5 साल पहले मेरे पास फोन आया, हमारे रिलेटिव हैं, उनकी एक लेडीज है, उसके सिर में दर्द रहता है, सिर में चोट लगी हुई है उसके काफ़ी टाइम से, उसने उसका इलाज भी काफ़ी करवा लिया है, काफ़ी उनके कई लाख रुपये लग गए हैं। तो वो मेरे को कह रहे थे कि भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ क्या, वो ये सोच रहे कि हम 15-20 हज़ार रुपये दे दें और 1-2 साल के बाद फिर क्लेम कर दें, भाई इसका तो ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन में लगेंगे 10-15-20 लाख रुपये, वो कंपनी पे कर देगी। मैंने उसको बोला भैया जो 20-30 हज़ार रुपये इंश्योरेंस वालों को देने हैं ना, इसको अपनी बहन को ही दे दे, वो खा तो लेगी कम से कम, ये नहीं देंगे 54 भी, अगर आप पहले ही झूठ बोल के ले रहे हो। सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है, वो हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए नहीं कर रही है, वो तो पैसा कमाने के लिए आए हैं भैया, वो अपना पैसा खोने के लिए थोड़ी आए हैं, वो ठीक है सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारे से पैसा ले रहे हैं। अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस
सच बोल के करवा लिया। बहुत से आदमी ये या तो इसलिए छिपा लेते हैं कि इनको क्या पता लगेगा यार, बॉम्बे हेड ऑफिस है, कहीं दूर है, पूना है, इनको क्या पता लगेगा। ऐसा नहीं है, अब नहीं पता लगेगा ना ये पता करेंगे। आजकल टेलीफोन निकली भी मेडिकल हो जाता है, उनके डॉक्टर का पैनल बैठा है, जब आप पॉलिसी करवाओगे उसके बाद आपके पास फोन आएगा, वो आपसे आपकी सारी डिटेल पूछेंगे और जो आप बताओगे वो उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको पहले बताते हैं कि भाई मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी आप बोलोगे वो आपसे 50 तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका सही सही जवाब देना है। आपने एक भी चीज हाइड कर दी, गलत कर दी एजेंट के कहने से या खुद से ही सोचा यार चलिए तो छिपा लेता हूं, ये तो माइनर फॉल्ट है तो बाद में कवर हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आप कोर्ट में जाओगे वो ही वहां से हेड ऑफिस से मंगवा के वो कोर्ट में आपकी रिकॉर्डिंग पेश कर देंगे, जी इस आदमी ने तो ये बात छिपाई थी। तो क्योंकि बीमा जो है वो परम सत्य के सिद्धांत पे कार्य करता है भाई। बीमा कंपनी जो है वो अपने बारे में सब कुछ लिख के हमें दिखा रही है, आप ऑनलाइन चेक कर लो या वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे उसमें, आपके पास 15 दिन का टाइम भी, आपने कोई पॉलिसी ले लिया आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, आपको नहीं पसंद आई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ने हर चीज अपने बारे में सही सही उसमें लिख रखी है। तो आपका भी परम कर्तव्य ये है कि आप भी अपने बारे में सही सही जानकारी उसको दें। आप ये सोचें दूसरा पॉइंट कि यार मैं तो बीड़ी सिगरेट पीता हूँ या शराब पीता हूँ, कम या ज्यादा पीता हूँ, मैं ये बताऊंगा तो मेरा इंश्योरेंस नहीं होगा, या मुझे शुगर है तो मेरा इंश्योरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंपनियां एक कंपनी नहीं करेगी, दूसरी करते कि बहुत सी कंपनियां हैं वो आपका इंश्योरेंस कर देंगी, बट आपको उनको बताना पड़ेगा मैं 2 बीड़ी पीता हूँ, 4 पीता हूँ, 1 बैग पीता हूँ, 5 पीता हूँ, ब्याह शादी में लेता हूँ या डेली लेता हूँ या वीकली लेता हूँ, मंथली लेता हूँ, वो सारी बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। शुगर है तो कितने साल से है, कितनी तक आ जाती है आपकी, नॉर्मल खाली पेट कितनी रहती है, खाना खाने के बाद कितनी रहती है, हाई बीपी है तो कितने साल से है, किस डॉक्टर से आप उसकी दवाई ले रही है, ये सारी बातें आप उसको मेंशन करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जो नॉर्मल आदमी होगा, स्वस्थ आदमी होगा, उसका जितने में बीमा होगा, जितनी उसकी किस्त होगी प्रीमियम, आपने अगर वो सारी बातें उनको बता दी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। ये सब बातें होने के बाद आप बिल्कुल एक्यूरेट बताइए तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई आपकी आपने पहले बता भी दिया, अब कोई इसमें ये भी एक सवाल आता है कि भाई किसी को हार्ट की बीमारी है पहले ही और वो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसने इंश्योरेंस कंपनी को बोल भी दिया या एजेंट को बोल दिया और उसने वो मेंशन भी कर दिया, लिख भी दिया, टेलीफोन निकली भी बात होगी कि भाई साहब मेरे को तो हार्ट की बीमारी है और उसने बता दिया उसको वो इंश्योरेंस उन्होंने फिर भी कर दिया, प्रीमियम बढ़ा दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे आपको कि भाई इंश्योरेंस तो हो गया लेकिन अगले 4 सालों में अगर हार्ट की वजह से आपको कोई दिक्कत आ गई तो वो कोई चवन्नी नहीं देंगे आपको वो, क्योंकि इनमें जो प्री डिसीज है, जो कोई पुरानी बीमारियां चली हुई हैं, वो लगभग हर कंपनी में उसको कवर करने का 2 से 4 साल का पीरियड है। मतलब आज किसी को अगर है भी और उस कंपनी ने कर भी लिया तो वो 4 साल के बाद उस हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्लेम देंगे, अदरवाइज नहीं। आप नॉर्मल है, 4 साल के बाद भगवान ना करे कोई परेशानी आ गई, कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी भी चीज की आ गई, तो वो सारा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। अब सवाल आता है कि हमें कितने का सिक्योरिटी लेनी चाहिए, कितने का सम इंश्योर्ड कितने का लेना चाहिए। वो इंडिविजुअल अगर आदमी कोई एक आदमी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा है तो कम से कम उसे 5 लाख रुपए की तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल कोई छोटी मोटी बीमारी या उससे कोई बड़ी बीमारी, मेजर बीमारी हो जाती है तो 5-10 लाख रुपए लग ही जाते हैं, 3-4 तो डैम श्योर है। छोटे भी हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाते हैं, कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे होगी तो इतना पैसा आपका लग जाता है, इससे भी कम ले लिया फिर उसका कोई फायदा नहीं होएगा। हाँ, अगर आप ज्वाइंट फैमिली की लेना चाहते हैं, ज़्यादातर कई कंपनियों में उसको फैमिली फ्लोटर बोलते हैं, वो लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 या 15 लाख रुपये का लेना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी हैं, आप उनको भी कवर करना चाहते हैं, उनको भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उनकी एक अलग से पॉलिसी लीजिए, क्योंकि जब आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता है, आपकी किस्त बनती है, वो जो सबसे बड़ी एज का आदमी होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिताजी 65 साल के हैं और आपका कोई बच्चा 8 साल का है, 8 साल के हिसाब से प्रीमियम नहीं बनेगा, 65 साल के हिसाब से प्रीमियम बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उस 65 साल वाले आदमी की अलग से पॉलिसी ले लेनी चाहिए और अपनी फैमिली की अलग से ले लेनी चाहिए, तो उसमें आपको प्रीमियम में किस्त में आपको कम किस्त देनी पड़ेगी और आपका पूरा कवरेज मिल जाएगा।
दूसरी बात ध्यान रखने योग्य ये क्या है कि ये बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं आजकल, अगर आप कोई आयुर्वेद चिकित्सा करवाना चाहते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी परमिशन देती है कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं वो वैसी चिकित्सा अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, आयुर्वेद तरीके से करवाना चाहते हैं। आयुर्वेद से भी अगर आप इलाज अपना करवाना चाहते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, नेट पे आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी आयुर्वेद का भी कवरेज दे रही है। एक चीज इसमें और देखनी पड़ती है, इसमें ज्यादातर कैप्शन होते हैं, मतलब लॉक लगा देते हैं, ये क्या कहते हैं कि भैया ऐसा भी है कॉपी मींस भाई कई कई जैसे मीन में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में क्या होता है 10-15% का कोपे या 20% का भी होता है। कोपे मींस अगर हमने कहीं अपना इलाज करवाया, फॉर एग्जांपल किसी की टांग टूट गई और उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, टांग टूट गई उसमें रॉड डली, ये डला वो डला, उसका खर्चा हो गया 1,00,000 रुपये, तो उसको जितने परसेंट कोपे होगा उतने पैसे उसको भरने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करिए उसको पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए, अपने एजेंट से बात कीजिए, कोपे जिसमें ना हो वो वाली पॉलिसी लीजिए, कोपे का चक्कर ही ना हो। भाई 2,00,000 लगेंगे तो आपको देने हैं क्योंकि मेरा इंश्योरेंस 5,00,000 रुपये का है। और एक चीज और, जब एजेंट कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर तो लोग बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, सस्ता पड़ता है, मैं भी मानता हूं सस्ता पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि जो सस्ता इंश्योरेंस है वो ही अच्छा इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में भी अच्छी चीज सस्ते रेट पे नहीं मिलती। ये तो हो सकता है कि कंपटीशन में 10 रुपये आपको कम वो पॉलिसी मिल जाए, लेकिन अगर वो बहुत सस्ते में मिल रही है तो इट मीन्स उसका कवर भी बहुत कम है, जो आपको, क्योंकि आप इस लाइन के आदमी नहीं हो तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज इसमें देखने योग्य क्या है, ये आपने देख लिया, आप इसको कोशिश कीजिए ऑफलाइन लीजिए। ऑनलाइन आप वो चीज ले सकते हैं, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लो भाई, वो तो एक ही बार, बाद में जब वो लास्ट में अगर आपका मनी बैक है तो मनी बैक आ ही जाएगी, और भगवान ना करे नहीं रहे तो वो एक ही बार लेने हैं। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, अगर हमारा अगले 25-30 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस चलता है, हो सकता है हमें 5 बार जरूरत पड़े या 1 बार या 10 बार जरूरत पड़ जाए, तो इतनी बार अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इनका कस्टमर केयर तो होता है, लेकिन वो आधे घंटे कस्टमर केयर मिलता ही नहीं, उस पर फोन करते रहो, वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में मिलेगा, उसके भी 10-15-20 मिनट के बाद वो ऐसे प्रोसेसिंग ज़्यादातर कंपनियों की इनकी चलती रहती है। अगर आप ऑफलाइन ले लेंगे, अपने किसी यार प्यारे रिश्तेदार से ले लेंगे, तो आप उससे बात कर सकते हैं फ्यूचर में कि भैया ये मेरी पॉलिसी है, ये मुझे दिक्कत होगी या मेरे परिवार में किसी को ये इस तरह की दिक्कत हो गया, और आप इसको मेरे पॉलिसी को क्लेम को क्लियर करवा दीजिए। आजकल लगभग सभी कंपनियों के कैशलेस इंश्योरेंस आए हुए हैं, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना, और पैसा जैसे गाड़ी का कैशलेस होता है, भाई आपकी गाड़ी ठुक गई, टूट गई, फूट गई, आप गए शोरूम में, वहां पे ठीक करवाई, साइन मारे और अपने घर आ गए, और इसमें भी कैशलेस आया हुआ। लेकिन उस कैशलेस पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी लेने से पहले किसी भी कंपनी की आप ये सर्च कीजिए अपने अड़ोस पड़ोस में, जहां से भी आप दवाई लेते हैं या जो बढ़िया हॉस्पिटल है जिस पे आपको विश्वास है, आप उस कंपनी का इंश्योरेंस लेने से पहले ये देखिए कि इस कंपनी का जिसका मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ टाई अप है कि नहीं है। अगर टाई अप होगा तो आपको कैशलेस पॉलिसी का फायदा मिलेगा, अगर नहीं होगा इलाज आप फिर भी उस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको ना नहीं कर सकती, लेकिन आपको अपनी जेब से पैसा पहले देना पड़ेगा, उसके बाद रिइंबर्समेंट होगी, आपको पैसा वापसी मिलेगा, वो फिर लंबा प्रोसीजर हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप उसको कैशलेस वाली ही लीजिए। और एक बात और इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि जैसे ये आजकल एक नया और कंसेप्ट आया हुआ है कि इसको हम रिस्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने आपने 10,00,000 रुपये की कोई पॉलिसी ले ली, वो पॉलिसी का जो एजेंट है, जो भी आप जिससे भी पॉलिसी ले रहे हैं, वो आपको बता रहा है भाई साहब 10,00,000 रुपये का तो कवर आपकी फैमिली को मिल गया, भगवान ना करे कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो आपको 10,00,000 रुपये का रिस्टोर हो जाएगा। ये तो बात सही है कि वो जो बोल रहा है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें वो कुछ हाइड करके आपको बता रहा है। वो क्या चीज़ नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा कि किसी आदमी को, हमारी फैमिली में से कोई आदमी मेजर इशू हो गया, किसी के हार्ट की सर्जरी होगी और वो 10,00,000 रुपये खर्च होगी,
वो 10 लाख रुपए रिस्टोर तो हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उसी साल में वो आदमी वही आदमी दोबारा बीमार हो गया तो वो पैसा उसके ऊपर नहीं वो खर्च पाएंगे। वो रिस्टोर तो कर दिया, वो दूसरे बच्चों के लिए या दूसरी फैमिली मेंबर के लिए रिस्टोर हुआ है, ना कि उसके लिए। इस बात को ये ज़्यादातर एजेंट जो है हाइड करते हैं, दूसरी बात को हाइप करते हैं और उसको छुपा लेते हैं। ये बात आप उससे पूछिए। दूसरी रूम का रेंट जो होता है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रूम रेंट का आप देख लीजिए, उसमें कोई कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अब डिपेंड करता है रूम रेंट कितने तक का वो आपको अलाउ कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कितना है। आप पॉलिसी लेने से पहले अपना लाइफस्टाइल देखिए कि आप किस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। अगर आपको एसी की आदत है, आपके घर में एसी है और गाड़ी में एसी है, ज़्यादा आपके ऑफिस में एसी है, ज़्यादातर आप एसी में ही रहते हैं, तो भगवान ना करे ऐसा टाइम आ गया अगर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा तो आप एसी के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा इंश्योरेंस लेने से पहले कि मुझे कितने 1000 रुपये तक का रूम का रेंट पर डे का ये कंपनी इसको अलाउ कर रही है, कहाँ पे जाके इसकी कैपिंग है। आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देखिए। आपने देखा होगा समाचारों में, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बड़े बड़े लीडर या कोई बड़े बड़े बिल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, वो बड़े बड़े मेदांता होटल में एडमिट होते हैं, वो अंदर उनका एक से अलग से ड्राइंग रूम भी होता है, वो एडमिट होते हैं और उनका ड्राइंग रूम भी वहाँ होता है, उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप भी वैसा ही चाहते हैं तो आपको आज वो चीज़ लेनी पड़ेगी, पहले देखनी पड़ेगी, उस एजेंट से बात करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो भी वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहीं इसमें कोई कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका रूम रेंट मान लो 5000 का है, जैसे जैसे आपका रूम रेंट बढ़ता है ऐसे ही मेडिसिन का, हर चीज़ का, उनका हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता चला जाता है, हर चीज़ उसी के साथ जुड़ी हुई है रूम रेंट के साथ ही। तो ये चीज़ आपको मेन और ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। और मेन एक चीज़ और जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है इसमें कि आपको क्लेम रेशो, चाहे आप ऑफलाइन भी ले रहे हैं, क्लेम रेशो चेक करना है ऑनलाइन। आप किसी भी कंपनी है जिससे ले रहे हैं उसका आप ऑनलाइन क्लेम रेशो चेक कर सकते हैं। अगर वो 85 से ज़्यादा है, 85% से, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास 100 आदमियों के क्लेम आए और 100 में से 85 से ज़्यादा कंपनी ने क्लेम को उसको ओके कर दिया, उसको पेमेंट कर दी, उसका इलाज करवा दिया, तो वो अच्छा रेशो माना जाता है, उसमें आप उस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।